आइए दोस्तों, आज हम बनाते हैं भरवा शिमला मिर्च की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए छोटे छोटे शिमला मिर्च, दो बड़े प्याज कटे हुए, लहसुन, मटर, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, कद्दू का किया हुआ एक आलू, दो बड़े चम्मच तेल। अब स्टफिंग करने के लिए हम शिमला मिर्च के अंदर के सारे बीज निकाल देंगे। इस तरह से पतले चाकू से इसको अंदर से काट कर इसके सारे बीज हम निकाल देंगे। ये पूरा खाली हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपना मसाला भर सकते हैं। अच्छा, देखिए दोस्तों, हमने सारी शिमला मिर्च खाली कर ली है अंदर से, ताकि इसमें हम अच्छे से स्टफिंग कर सकें। आइए अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। जार के अंदर हम प्याज, सारी प्याज ले लेंगे हम, लहसुन और हरी मिर्च डालकर, हरी मिर्च चाहें तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं तेल के अंदर, और चाहें तो पीस भी सकते हैं, डालकर पीस लेंगे इसको। देखिए दोस्तों, हमने इसको पीस लिया है, प्याज लहसुन और हरी मिर्ची को। अब हम इससे स्टफिंग का मसाला तैयार करेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद अगर हम चाहें तो उसमें राई का तड़का भी लगा सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें राई डालकर राई को तड़कने देंगे। और फिर लाल मिर्ची डालकर मसाला डाल देंगे। लाल मिर्ची पहले डाल देने से सब्जी में कलर अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें हल्दी डाल देंगे, धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक हम स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक चम्मच, आधा चम्मच, जितना आपको लगे डाल सकते हैं। मसाले को थोड़ा सिकने देंगे। एक्शन। देखिए, हमारा मसाला आधा सिक चुका है। अब इसमें हम हमारे कद्दूकस किए हुए आलू डाल देंगे। मटर डाल देंगे। खटाई के लिए थोड़ा सा अमचूर डाल देंगे। मटर का सीजन ना हो तो इसको बिना मटर के भी बना सकते हैं। कर पका सकते हैं। देखिए, हमारा मसाला तैयार हो गया है, आलू और मटर भी पक चुके हैं। अब इसको हम खाली कर लेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद शिमला मिर्च में इसको भरेंगे।
स्टफिंग ठंडी होने के बाद हमने इसमें हरी धनिया डाल दी है। इसके बाद हम इसको शिमला मिर्च में भर देंगे। शिमला मिर्च चारों तरफ से पोली होती है तो उसमें मसाला अच्छे से आ जाता है। इसको हम दबा दबा कर अच्छे से चारों तरफ भर देंगे। जोर से दबा कर इसको भरिए अच्छे से। जोर से वो इसी तरह से सारी शिमला मिर्च को भरना है। देखिए अब कढ़ाई गरम करके कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, बचा हुआ तेल सारा डाल देंगे। उसके बाद हम ये भरी हुई शिमला मिर्च एक एक करके डाल देंगे। और बची हुई स्टफिंग भी ऊपर से डाल देंगे। और गैस को कम आंच कर देंगे और इसको ढक कर कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में इसको पलटते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। देखिए हमारी सब्जी अब पक चुकी है, इसको अब हम किसी बर्तन में खाली कर लेंगे। देखिए हमने सब्जी को डिश में खाली कर लिया है, इसको हम धनिया से गार्निश करेंगे। अब हमारी स्वादिष्ट भरवा शिमला मिर्च की सब्जी तैयार है। दोस्तों अगर आपको हमारी सब्ज़ी पसंद आई हो, हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।